नमस्कार जी, मैं राम सिंह राणा गोल्डन हट से। पहले भी आपने वीडियो देखी होगी जहाँ पर लगभग 5 महीने होने को आगे किसान भाइयों के लिए फ्री लंगर सेवा, फ्री रहने की व्यवस्था और फ्री पार्किंग, हर चीज़ पूरा होटल जो था हमारा हमने किसानों के लिए दिया हुआ है। तो मेरा सौभाग्य है कि मैं परमात्मा ने मेरे को सेवा बख्शी है और मैं उसको निभा पा रहा हूँ। लेकिन लगभग पिछले 4-5 दिन से मेरे पास लगातार काफ़ी ज़्यादा मतलब तादाद में फ़ोन आए किसान भाइयों के कि भाई आप एक बार आओ हमारे पास, देखो हमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो हमने लगभग आज 3 दिन हो चुके हैं मेरे को, तीनों मतलब टीकरी बॉर्डर हो गया, मुंडली बॉर्डर या सिंधु बॉर्डर कह लो और गाजीपुर बॉर्डर हो गया। तो हमने देखा कि सभी किसान भाइयों से हम मिले, जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा मिल पाए, तो हमने देखा कि जो उनकी प्रॉब्लम है वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और हर आदमी के लिए वो प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम है पीने के पानी की। क्यों? पहले क्या था, जब धरना स्टार्ट हुआ उस टाइम सर्दी का टाइम था तो पानी की जरूरत कम पड़ती थी। पानी की जरूरत पड़ने के साथ साथ बहुत से अपने दानी भाई थे जो भी बहुत सी ट्रैलियों में बोतलों की व्यवस्था या जैसे भी गिलास लेके आए तो पानी आता रहता था, नेचुरल सी बात हो, पूरा जैसे कैसे भी हो रहा था। लेकिन अब वो व्यवस्था भी बंद होगी, दूसरा गर्मी का मौसम आ गया। तो उस मौसम को देखते हुए सभी भाइयों को पीने का मतलब लगभग 3-4 लीटर की एवरेज तो एक आदमी की रहती है जो हर रोज उसको पानी चाहिए। तो देखा हमने उनकी, सुना तो काफ़ी ज़्यादा संख्या में तो लोग बीमार पड़े हैं, मतलब पीने का पानी गंदा होने की वजह से। अब आप समझते हो दिल्ली के आसपास का एरिया है तो नेचुरल सी बात है पानी तो खराब ही है दिल्ली के आसपास का। तो पीने के पानी की इतनी बड़ी मेजर प्रॉब्लम है हर धरने में, हर एक किसान भाई को। क्यों? एक हर धरने के ऊपर तो फ्रिज नहीं लगा हुआ, ना हर धरने के ऊपर आरओ लग सकता है, ना पॉसिबल है। तो हम सोच रहे हैं जितनी भी ट्रैलियाँ हैं या जितने भी तंबू हैं, इन सभी तंबुओं में हमें एक ऐसी व्यवस्था करें जिससे इन सभी भाइयों को पीने का पानी तो कम से कम साथ मिले। रोटी तो आदमी 2 टाइम की जगह मतलब कर लेगा, 3 टाइम की जगह 2 टाइम खा के भी काम कर लेगा, लेकिन पानी की जरूरत एक ऐसी है सुबह उठने से लेकर सोने तक हर टाइम पीने के पानी की गर्मी में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। और अभी धरने का ये नहीं पता ये कब तक चलेगा, क्या पता ये सर्दियाँ फिर दोबारा आ जाए। तो इस चीज़ का हमने सलूशन सोचते हुए मेरे को काफ़ी इसमें मंथन करना पड़ा, भाई क्या सलूशन करें हम जिससे हम सभी भाइयों को पानी, साफ पानी, ठंडा पानी पिला सकें। तो हमने सारा मंथन करने के बाद भाई जो सस्ता भी पड़े और रेगुलर हम उसको दे भी सकें, तो हमने उसके बारे में सारे को सारा जो एक विचार किया, सारा सोचा, सलाह किया 2-4 किसान भाइयों से, 10-20-50 से सलाह की। तो हमें लगा कि भाई ये ही सलूशन एक ऐसा है जिससे हम पानी की जरूरत को पूरा कर सकते हैं और परमात्मा वाहेगुरु इज्जत रखेगा। मैं चाहता हूं कि इस पानी की पूरी जिम्मेवारी हम सब मिलके इसको पूरा करें। तो इसके लिए जो मैंने सोचा मैं आपसे भी शेयर करना चाहता हूं, ये 15 लीटर का कैंपर होता है जो अपने घरों में भी आता है या आपने देखा होगा, ये एक कॉमन चीज़ है। तो हम हर धरने के ऊपर लगभग 2 कैंपर सुबह 2 शाम को हमने पानी के, ठंडे पानी के देने हैं ताकि पीने के पानी के लिए तो कम से कम दिल खुश होकर पानी पी सके और किसी को कोई परेशानी ना आए, कोई बीमार ना पड़े, कोई मतलब और प्यासों की टाइम टू टाइम कुछ दिले। तो उसके लिए हमने सारी काउंटिंग जो की, सारी कैलकुलेशन निकाल ली, लगभग हमें 6,000 कैंपर की जरूरत पड़ेगी ताकि हम 3 बॉर्डर हैं इसमें, टीकरी है, मुंडली बॉर्डर है और गाजीपुर बॉर्डर, भाई हर धरने के ऊपर 2 कैंपर हम पहुँचा सके। तो ये बड़े भाइयों बहुत बड़ा स्टेप हम लेने जा रहा हूँ, मैं नहीं ले रहा हूँ, ले आप रहे हो, परमात्मा ले रहा है। लेकिन इस स्टेप के लिए आप समझ सकते हो ये लगभग 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 50 लाख से ऊपर की इन्वेस्टमेंट का काम है, लेकिन ये ज़रूरी है। क्यों? काउंटिंग इतनी है मतलब यहाँ लगभग 2 लाख के आसपास आदमी पड़ा है और अगर 2 लाख को 50 लाख से डिवाइड करें तो 2500 रुपये एक आदमी, और पूरे धरने की टेंशन हमारी ख़त्म हो सकती है। वो कैसे? भाई हम हर धरने पे 2 कैंपर हम छोड़ेंगे और गाड़ी की ड्यूटी लगाएंगे या ट्रैक्टर ट्रेलर की ड्यूटी लगाएंगे कि भाई सुबह शाम वो चक्कर लगाएगी और हर धरने पे जो पानी जिस पे मतलब जरूरत होगी वहाँ पर पानी का कैंपर हम देंगे।
तो इसके लिए मुझे आपके सहयोग की जरूरत है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसमें सहयोग करें। ये मेरा फ़ोन नंबर है 9896703798। तो आपके सहयोग के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। हमने आज तक कभी सहयोग की, परमात्मा की दया से, जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन अब माहौल और हालात ऐसे बन गए हैं कि हमें बगैर सहयोग के आपके ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो इसको हमने कंटिन्यू भी करना है और उसके लिए भी हमें चाहिए। तो फिलहाल जो हमें, मतलब आप अगर समझो कि भाई हाँ, रियलिटी है, नेचुरल है, भाई ये प्रॉब्लम एक सबसे बड़ी है, तो एक तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। और जो आपसे योगदान हो सके, ये लगभग हमें 470 रुपये का एक मयूर का, हमने जो सबसे बड़ी कंपनी है इसके बनाने के लिए, तो उसको ऑर्डर दिया है, तो उन्होंने हमारे से लगभग एक हफ्ते का टाइम मांगा। अभी एक हफ्ते के अंदर अंदर हम आपको 6,000 पीस दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लीज़ इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दें और सहयोग करें। मैं आपके सहयोग के बिना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो आपको प्लीज़, मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि हमें इस धरने को, इस आंदोलन को सक्सेस करने के लिए इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पानी की, और पानी की जरूरत के साथ साथ हर किसान भाई की खुशी की। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जितना आपसे हो सके, चाहे आपसे 100 रुपये बने, तो आप 100 रुपये भी आप मतलब डोनेट कीजिए इसमें। ये ज़रूरी है इस टाइम के हालात को देखते हुए। तो मैं आपसे इन शब्दों के साथ राम राम, सत श्री अकाल, जय।